हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम क्लास फाइव इंग्लिश चैप्टर फाइव अ बैटल इन द जंगल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। रीडिंग ए पार्ट, पुट दी सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। मछली वाज लुकिंग एंग्रीली एट दिस टाइगर। सडनली द टू टाइगर्स लीप्ड एट ईच अदर रोरिंग लाउडली। द अदर टाइगर स्लोली लिम्प्ड अवे। मछली क्रॉल्ड एट द अदर टाइगर्स फेस। द टूरिस्ट वॉच एज द टाइगर रसल्ड ईच अदर ऑन हिंड लेग्स। द टूरिस्ट नोटिस दैट द टाइगर इन फ्रंट ऑफ दैम वॉज लुकिंग एट अनदर टाइगर हिडन इन द ट्रीज। द गाइड कॉल्ड हर मछली। ये सबसे पहला है इसमें एफ वाला, कि टूरिस्ट ने नोटिस किया कि सामने से एक टाइगर आ रहा है और एक दूसरी साइड में छुपा हुआ है। दूसरा इसमें इसके बाद में मछली ने गुस्से में देखा उसे जो वो घास में छुपा हुआ था, और सडनली द टू टाइगर्स उसके बाद में टूरिस्ट देखने लगे जो उनके बीच में झगड़ा हो रहा था या फाइट हो रहा था। फिर फोर्थ है इसमें सडनली टू टाइगर एक दूसरे से क्या हो गया, वो लोग भिड़ गए गुरगुराते हुए, मतलब गुर्राते हुए एक दूसरे से वो क्या हुआ, झगड़ने लगे, लड़ने लगे। और मछली ने क्या किया, एक ज़ोरदार पंजा दूसरे टाइगर के फेस पे जड़ दिया, और जो उससे उसका गुत्थम गुत्था लड़ाई चल रही थी उसके बाद वो जो टाइगर था दूसरा वाला वो लंगड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। तो इसमें नंबरिंग मैंने साइड में दे दिया, आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ये, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। अ येल्प एंड echoed in the silence of the forest। जो चीख थी, yelp का मतलब होता है चीखना, उसने पूरे जंगल की शांति को भंग कर दिया। which forest was the speaker in, whose yelp did the speaker hear, what was the significance of the yelp, who explained it। ये सारे questions के answer मैंने आगे इसी उसमें आपको दे दिए हैं, और c part भी एक ही साथ में है तो आप उसको देख लीजिए। और इस वीडियो के लास्ट में जो येल्प है वो भी आपको सुनने को मिलेगा कि एक्चुअली में ये किस तरह की वॉइस होती है जो हिरन करते हैं। द नेक्स्ट टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। अ येल्प एनक्रोच इन द साइलेंस ऑफ द फॉरेस्ट। विच फॉरेस्ट वाज द स्पीकर इन। एक चीख ने सारी जो उसकी साइलेंस थी फॉरेस्ट की उसको ख़त्म कर दिया। किस फॉरेस्ट की बात यहाँ पे हो रही है, किस फॉरेस्ट में स्पीकर था। द स्पीकर वाज इन द फॉरेस्ट नेम्ड रणथंबोर टाइगर रिजर्व। स्पीकर कहाँ पे था, रणथंबोर टाइगर रिजर्व में था। हुज येल्प डिड द स्पीकर हियर। किसकी चीख स्पीकर ने सुनी थी। द स्पीकर हर्ड द येल्प फ्रॉम डियर। उसने येल्प जो सुनी थी, चीख जो सुनी थी, वो किससे सुनी थी, डियर से यानी हिरणों से सुनी थी। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द येल्प, हु एक्सप्लेन्ड इट। येल्प वाज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वाज अ वार्निंग मैसेज बाय द डियर टू बी अलर्ट टू अदर्स दैट देयर इज़ अ टाइगर अराउंड देम। द गाइड टोल्ड दिस टू द टूरिस्ट। जो उस गाड़ी में बैठे हुए थे लोग, और सबसे पहले उसने राजू को बोला जो उसका ड्राइवर था, कि ये जो आवाज़ आ रही है जैसे ये भाग रहे हैं यहाँ से आवाज़ शो चीखते हुए, इसका मतलब ये है कि आसपास में ही कहीं टाइगर है, और ये अपने दूसरे साथियों को इस तरह से वार्न कर रहे हैं कि यहाँ पे टाइगर है तो बच के रहें, सतर्क रहें। ही हैड स्पॉटेड समथिंग। हु डज द लाइन रेफर टू। किसके लिए ये लाइन रेफर कर रही है, दिस लाइन रेफर टू द इंट्रूडर टाइगर। जो घुसपैठिया टाइगर वहाँ पे आया था उसके लिए ये यूज़ किया गया है, कि वो कुछ स्पॉटेड, मतलब उसने कुछ चीज़ को स्पॉट किया है, महसूस किया है। हाउ डिड द स्पीकर नो दैट ही हैड स्पॉटेड समथिंग। वो कुछ उसको ढूंढ रहा है या उसने कुछ चीज़ चिन्हित किया है, स्पॉटेड का मतलब चिन्हित किया है, वो क्या चीज़ है, उसे क्या पता लग रहा है। द टाइगर वॉज मूविंग स्लोली बाय टिल्टिंग हिज हेड डाउन, इंडिकेटिंग दैट द स्पीकर हैड कम टू नो दैट ही हैड नोन समथिंग। उसने बताया कि जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे सिर को इधर से उधर घुमा रहा है, रोटेट ऐसे कर रहा है, घुमा रहा है, और
वो इंडिकेट करता है कि स्पीकर को ये समझ में आ रहा है कि इसने कुछ चीज़ को महसूस किया है। एक्चुअली होता यह है कि जो जानवर हैं उनमें आपके जैसे हमारे जैसे जो हमारे सेंसेस होते हैं, हम सुन के, स्मेल करके और देख के कई चीज़ें पता लगाते हैं कि हमारे सामने खतरा है या कितनी दूर पे खतरा है, तो हमारा जो विजन होता है वो हमें हेल्प करता है। लेकिन जानवरों के केस में उनकी नाक और कान सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको ये पता लगाने के लिए कि उनके आसपास कौन है। हिरणों को भी इतनी जल्दी झाड़ी में छुपा हुआ हिरन, वो शेर या टाइगर दिखाई नहीं देता, उनको भी उसकी स्मेल से पता लगता है कि आसपास खतरा है, या उसके चलने के तरीके से जो घास के पत्तों की आवाज़ें या कुछ कुचलने की आवाज़ें होती हैं उस तरह से। इसलिए कभी भी आप अगर किसी हिरन को देखोगे या शेर को देखोगे तो उसके कान जो हैं वो घूमते रहते हैं इधर उधर, वो काफ़ी चौकन्ने दिखाई देते हैं। वट हैड ही स्पॉटेड, उसने क्या चीज़ को स्पॉट किया था। ही हैड स्पॉटेड दैट देयर इज़ अनदर टाइगर नियर बाय, उसे क्या पता लगा कि कोई दूसरा टाइगर है उसके आसपास में। आंसर इन डिटेल, हाउ डिड द स्पीकर रीच रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर पार्क में स्पीकर कैसे पहुँचा। द स्पीकर रीच रणथंबोर नेशनल पार्क बाय अ रॉयल ट्रेन नेम्ड महाराजा एक्सप्रेस, वो वहाँ ट्रेन से पहुंचा था और उस ट्रेन का नाम क्या था, उस रॉयल ट्रेन का नाम महाराजा एक्सप्रेस था। जब मैंने ये चैप्टर आपको कराया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि पैलेस ऑन व्हील, महाराजा एक्सप्रेस, ये ऐसी लग्जरी ट्रेन्स हैं कि जिनके अंदर आप ये समझिए कि 5-स्टार होटल के हर चीज़ उसमें होती है, फैसिलिटीज़ सारी हैं उसमें। उसमें लॉबी है बैठने के लिए, एक होटल टाइप वो है, और सोने के लिए जो बेडरूम्स होते हैं जैसे होटल्स में होते हैं उस तरह से हैं, वो पूरा एक महल ही है जो पहियों के ऊपर चल रहा है। वाई वॉज राजू ड्राइविंग द जीप ऑफ द हिल एंड अराउंड द कॉर्नर, वट डिड दे सी वेन दे रीच्ड देयर, राजू ने क्या किया, वो जब सीधे जा रहा था तो उसने पहाड़ के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी, थोड़े से वो टीला सा था उसके ऊपर चढ़ा दिया और फिर कॉर्नर से उसको काटने की कोशिश की जीप को, और जब उसने जीप को वहाँ से काटा मोड़ा तो उसने क्या देखा। When the guide guessed from the sound of the deer that there was a tiger nearby and he wanted to tour the forest for tourist without disturbing it, राजू tried to get the car out of the hill and the nearby corner. When they reached there, they saw one tiger was in the bushes and the other tiger was coming from the front. जब राजू जो ड्राइवर था उस जीप का जो लोग टूरिस्ट को लेके अंदर गए थे, वो लेके जब उनको अंदर घुसे, तो जब भी आप जंगल में कहीं जंगल सफारी में जाओगे तो एक एक्सपीरियंस जो गाइड होता है, मार्गदर्शक होता है, वो आपके साथ जाता है ताकि आपको जंगल में किसी तरह का खतरा ना फेस करना पड़े। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि जब उसने डियर्स के साउंड को, येल्प को उसने एनालाइज किया तो उसे पता लगा कि आसपास में कोई खतरा है, यानी टाइगर, या क्योंकि वो रणथंबोर जो है वो टाइगर रिजर्व ही है, तो वहाँ टाइगर होना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, वहाँ तो दिखेंगे ही, लोग टाइगर देखने ही जाते हैं वहाँ पे। तो जैसे वो चीखते हुए भागे तो उसे लगा कि आसपास कहीं टाइगर है, तो हमें क्या करना है कि उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि वो टूरिस्ट के ऊपर हमला कर दे। तो इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, वो इसीलिए गाड़ी को कहाँ ले गया, कॉर्नर पे ले गया। और जब वो कॉर्नर में पहुंचा तो उसने क्या देखा कि एक झाड़ियों में एक बाघ छुपा हुआ है और एक सामने से आ रहा है। हाउ डिड मछली जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द क्वीन ऑफ द जंगल, जैसे अभी मैंने बताया कि एक झाड़ियों में बाघ छुपा हुआ था और दूसरा सामने से आ रहा था, जो सामने से आ रहा था वो मछली थी जो वहाँ की टाइग्रेस है रणथंबोर की थी, और ये बहुत फेमस थी। मैंने आपको जब मैंने ये चैप्टर कराया था उस समय मैंने आपको बताया था कि इसकी खासियत ये है कि जितने भी लोग वहाँ रणथंबोर में विज़िट करने जाते थे वो सभी लोग उसको एक बार देखना ज़रूर चाहते थे, क्योंकि वो इतनी फेमस थी, उसकी जो कद काठी और उसकी रॉयलनेस जो थी वो उसने जितने भी लोग वहाँ पे पर्यटक जाते थे उसको अपनी तरफ वो खींचती ही खींचती थी। और ये उसको वहाँ के लोग प्यार से कहते थे कि ये क्वीन ऑफ जंगल है,
और वो फर्स्ट टाइग्रेस थी ऐसी, जनरली क्या होता है जानवर मर जाते हैं, गड्ढा खोद के उनको दबा देते हैं, लेकिन ये पहली ऐसी जानवर थी जिसका क्रिमिनेशन किया है, मतलब जैसे हिंदू रीति रिवाज से लोगों को जलाया जाता है उसी तरह से इसको भी जलाया गया। ये इसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट और अलग बात है। द मछली वॉज अ पावरफुल टाइग्रेस हु रूल्ड ओवर रणथंबोर। नो आउटसाइडर और इंट्रूडर टाइगर कुड एंटर हर किंगडम। व्हेन शी सा एन अननोन टाइगर शी वॉन्ड हिम टू फाइट एंड बीट हिम वेरी बैडली। आफ्टर डिफीट द इंट्रूडर लेफ्ट द जंगल। दैट वॉज द रीज़न शी गॉट द टाइटल क्वीन ऑफ द जंगल। मछली एक शक्तिशाली बाघिन थी जो रणथंबोर पे शासन किया करती थी। कोई भी आउटसाइडर, अनजान आदमी या घुसपैठिया टाइगर उसके इलाके में घुस नहीं सकता था। जब उसने देखा कि एक घुसपैठिया घुस आया है, एक अनजान टाइगर उसके इलाके में आ गया है, उसने उसको वार्न किया, रोर किया ना, मतलब गर्जी उसके ऊपर, और उसके बाद उसके मुंह पे उसने अपना ज़ोरदार पंजा मारा और जिसकी वजह से वो घायल हो गया और अपने मतलब लड़खड़ाता हुआ लिम्प्ड वो करता हुआ चला गया वहाँ से। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि उसकी शक्ति की वजह से और उसकी एग्रेसिवनेस जो रणथंबोर पे उसको रूल करने के लिए एक तरह से उसकी जो शक्ति थी उसने उसको बनाया ऐसा कि वो बहुत शक्तिशाली है और उसके रहते कोई घुसपैठिया वहाँ नहीं घुस सकता, उसका परिवार ही वहाँ रहेगा। इस तरह की जो रॉयलनेस उसमें थी इसी की वजह से उसको जंगल की रानी, क्वीन ऑफ द जंगल कहा जाता है। और अब आप आगे जो एक छोटी सी क्लिप इसके साथ देखेंगे वहाँ आपको पता लगेगा कि हिरन किस तरह से शाउट करते हैं जब किसी तरह का खतरा वो महसूस करते हैं। यूँ ही कुछ नया जानने के लिए बने रहिए सामाजिक ज्ञान के साथ। और अगर अभी तक आपने सामाजिक ज्ञान सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को, सिलेक्ट कीजिए ऑल का ऑप्शन। थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग।